नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा हाल ही में की गई है और ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर बताया। उन्होंने लिखा कि मिथुन दा की अद्भुत फिल्मों यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती आई हैं और हमें ये गर्व है कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना। ये पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का किस तरह का करियर रहा और कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती का जन्म कोलकाता में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1976 में फिल्म मरगेहा से की थी, जिसमें उनकी भूमिका उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है और लगातार लोगों का मनोरंजन करते आए, जिसमें फिल्मों में डिस्को डांसर है, अग्निपथ है और कसम पैदा करने वाले की भी शामिल है। मिथुन चक्रवर्ती 1989 के अंदर एक साल में 19 फिल्मों में काम करने वाले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके थे और जो आज तक एक अनोखा रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ। मिथुन चक्रवर्ती की पहचान केवल उनके अभिनय के लिए नहीं बल्कि उनके कौशल के लिए भी की जाती है। 1980 और 90 के दशक में वो एक सुपरस्टार रहे हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार। हाल ही में उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के अंदर भी खास भूमिका निभाई है जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का फिल्म सम्मान है जो भारतीय सिनेमाओं को दिया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को इस सम्मान से पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण जैसे उच्च नागरिक के सम्मान भी मिल चुका है। ये पुरस्कार उनके करियर की उपलब्धियों और भारतीय सिनेमा के उनके योगदान को दर्शाता है कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय सिनेमा को क्या कुछ दिया। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं और वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा उनके लिए की गई। मिथुन केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि उन्होंने फिल्मों के साथ समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उनकी अलग अलग भूमिकाएं ना कि खास पहचान बनाई गई है जो आज भी एक नई पीढ़ी के कलाकार को प्रेरणा देती हुई नजर आती। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने से उनके करियर को एक नई ऊंचाई मिलेगी और जो उनके लिए एक सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक माना जा रहा। ये पुरस्कार न केवल उनके प्रयासों का फल है बल्कि भारतीय सिनेमा के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है। मिथुन चक्रवर्ती इस सम्मान से न केवल अपने प्रशंसकों को गौरवान्वित करेंगे, वहीं पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपको बताएं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा ये मेहनत करने का पल मिथुन चक्रवर्ती के लिए आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।